हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर का हलवा। उसके लिए आपको चाहिए घी, दूध, बीटरूट, ड्राई फ्रूट, शुगर और मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने 3 चुकंदर लिए हैं, छोटे साइज के, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा साइज का लिया है। उसको धोकर अच्छे से आपको छील लेना है और फिर उसके बाद आपको फाइनली ग्रेट उसको करना। बहुत बड़े बड़े उसके, मतलब ग्रेट करने के बाद बहुत बड़ा सा आता है ना पीसेस, वैसे वो नहीं आने, बहुत महीन वाला जो है ना उस साइड से आप उसको ग्रेट करेंगे, क्योंकि वो पकने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट आता है। क्योंकि आप बहुत बड़े साइज़ वाले से अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा पकने के बाद भी ना थोड़ा मोटा मोटा अजीब सा लगता है। तो अगर आपको अच्छा सा टेस्टी हलवा चाहिए तो ये एक है कि आप उसको महीन वाले उसमें ग्रेट करिए। और ये फाइनली हमारा कद्दूकस हो गया है, 3 किए थे उसका हमें इतना मिला है। अब इसको हलवा बनाने के लिए अब हमें पैन थोड़ा सा गरम करना है। इसमें पैन गरम हो रहा है, उसमें हम लोग करीब 2 चम्मच घी डालेंगे। उसको थोड़ा सा हल्का सा गरम करना है उस घी को। ध्यान देना कि घी बहुत जलना नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा जल जाएगा तो जला हुआ भी उसका जो आता है स्मेल, वो थोड़ा बहुत ही अजीब सा होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो जले नहीं, उसको लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। उसके बाद आप अपना ये जो भी आपने चुकंदर कद्दूकस किया था उसको उसमें डाल देना है। और उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब उसमें डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, करीब 5 से 7 मिनट उसको आपको अच्छे से भूनना है। पांच सात मिनट भूनने के बाद आपको दिखेगा ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा दिखेगा आपको भूनने के बाद। उसके बाद आपको करना ये है, जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद आप इसमें 1 कप के हिसाब से आपको दूध ऐड करना है। आपने जितना क्वांटिटी लिया आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 वो मीडियम साइज़ का दिखाया था, मैंने उतना ही लिया था। तो मैंने उसमें 1 कप जो कॉफ़ी मग वाला होता है, मैंने वो 1 मग दूध इसमें डाला है, क्योंकि दूध में पकाने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप इसको 5-7 मिनट ऐसे ही खुले में ही करके इसको पकाइए। धीरे धीरे बीच बीच में आपको हर आधे मिनट में आपको उसको चलाते रहना है। नीचे ये देखते रहना कि जलना नहीं चाहिए। एक जब लेवल पर ये आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब अच्छे से पक जाएगा, तो आपको इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद भी आप इसे थोड़ी देर तक, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है इसको। और ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, आपको वही लो मीडियम फ्लेम ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। फिर उसके बाद आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 2 पैकेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, नेस्ले का यूज़ किया। आप कोई भी ब्रांड का, जो भी इजीली अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खोए का भी यूज़ कर सकते हैं। खोया मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं था। मिल्क पाउडर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको करीब 5 से 7 मिनट तक तो आराम से इसको पकाना है, क्योंकि ताकि वो जो मिल्क पाउडर हमने ऐड किया था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको तब तक पकाते रहना है जब तक कि इसका जो भी हमने दूध डाला था वो पूरी तरह से उसमें मिक्स ना हो जाए, मतलब बिल्कुल भी ऐसा वॉटरी जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पक कर अच्छा सा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स में, आप मतलब अगर किशमिश भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू ही डाला है। वो डालकर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद भी करीब 1-2 मिनट तक पकाइए। उसके पकाने के बाद आपको एंड में ऐसा मिलेगा, जब ऐसा आपको दिखेगा तब समझ लीजिए कि हाँ, आपका जो चुकंदर का हलवा है वो पूरी तरह से बन चुका है। बिल्कुल भी उसको गीला नहीं रखना है, क्योंकि वो फिर आप खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट नहीं आएगा। जब बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, पूरा पक कर उसका जो भी पानी दूध जो भी है पूरा सूख जाएगा, तब आपको निकालना है। आप फिर उसको सर्व करिए, आप जैसे जिसमें बाउल प्लेट जिसमें भी सर्व करना चाहते हो उसमें आप सर्व करिए। और ऊपर से भी आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स आप डालकर उसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। और फिर उसके बाद एंजॉय करिए अपना।
सो ये मेरा फाइनल लुक बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं तो जा रही खाने, आप भी खाओ, आप भी बनाओ। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ट्राई करो, बनाओ, खाओ, जो करना है वो करो। बाय बाय।